तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरी कोई जगह नहीं है तो तुमसे ये रिश्ता ही तोड़ लेती हूँ राम। अगर कागज पर दस्तखत करने से रिश्ता टूटता है तो लो, टूट गया हमारा रिश्ता। मुबारक हो, मुबारक हो मोहिनी, सारी स्वतंत्र राणा सा का रिश्ता टूट गया, अब सारे राणा सा आजाद है। कौन सी आजादी दे रही हो कुंवर साणे? जिस रिश्ते पर खुद माँ भगवती ने मोहर लगाई हो वह रिश्ता ये कागज की मोहर से ना टूट सके है कुंवरानी सा। मुंह तोड़ने का मन करे हमारा इस बाबी डोकरी का, मारी हर खुशी में मनुष्य मचा गए है ये। अब तो मैंने राणा सा को अपना वजूद दिखाकर इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आओ रे माया मोहा मिथिया मदिरा, ऐसे खत्म ना होवे ये किस्सा कुवराणी सा। नाखून बढ़ जावे तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। वैसे ही रिश्ते में अगर दरार आवे तो दरार मिटाओ, रिश्ता नहीं। ये जरूरी नहीं है दाई मां। कि हर रिश्ता दरार की वजह से खत्म, कुछ रिश्तों की उम्र ही कम होती है। ये मेरा और सिया का पर्सनल मैटर है, तो अगर आप इससे दूर रहे। कुंवर के जिंदगी में कुछ निजी ना होवे है हुकुम। बहरामगढ़ के कुंवर सा हैं आप, भले ही दो पीढ़ियों से आपके परिवार ने अट्ठे कदम ना रखा हो, पर फिर भी जनता आपको पूजे हैं। आपके पूर्वजों के स्मृति इमारत पे तर्पण करें। भगवान है ये बहरामगढ़ के, और भगवान अपने भक्तों ने कभी गलत ना सिखा सके। लेकिन दाई मामे, आधार स्तंभ है आप इस बहरामगढ़ के कुंवरसा, और मैं आपको इस आधार स्तंभ को हिलाने की इजाजत नहीं दूंगी। सिसोदिया खानदान में आज तक न कभी तलाक वो है और न कभी होगो। सिसोदिया खानदान में किसी ने मोहिनी जैसा इश्क भी ना किया है और ना ही कर पाएगा। मारी 500 साल की प्रीत को ललकार को नहीं, वरना थारे पूरे बैरामगढ़ को शमशान बना दूंगी। कल कार्तिक पूर्णिमा है, राजघराने की जोत से पूरा गांव रोशन होगा, जहां प्रजा अपने राजा से ये उम्मीद करे हैं कि वो उनकी जिंदगी में यही रोशनी बरकरार रखेंगे। और रानी सा आपको पता है ये बहरामगढ़ के कुंवर सा अपनी प्रजा को तोहफे में क्या देंगे? एक टूटा हुआ रिश्ता। सदियों बाद बहरामगढ़ अपना राजघराना देखेगा, वो भी ऐसा बिखरा हुआ। जो फैसला नजर झुकावे वो फैसला कभी सही ना होवे कुंवर सा। राम, जब तक आपकी आंखों में हमें सिया के लिए मोहब्बत दिखेगी तब तक हमारे लिए ये रिश्ता कायम रहेगा। अगर ऐसा ही है दादी माँ तो ये लीजिए, उठा लिया मैंने अपना सर, और आपकी आंखों में देखकर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे सिया से तलाक चाहिए, कि मुझे सिया से तलाक चाहिए, कि मुझे सिया से तलाक चाहिए। अब मैं उससे प्यार नहीं करती, अब मैं उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि मारे राणा सा अब मारे से प्रेम करेंगे। झूठ है ये, और मैं इसे कभी सच ना होने दूंगी। लेकिन दाई कुंवर सा, आप अपनी जिद छोड़ दो वरना मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। दाई मत, दाई मत, छोड़िए इसको, दाई मत, लगा छोड़िए इसको, कुंवर सा मन्ने अपने प्राण लेने दो, छोड़िए इसको। What the hell?
ठीक है, हम लोग कल मिलकर कार्तिक पूर्णिमा की पूजा धूमधाम से करेंगे। And I'll make sure कि मेरे और सिया के रिश्ते के बारे में बाहर किसी को बताना चले। नाइमा, आपकी बात मैंने कल तक के लिए तो मान ली है, लेकिन उसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपकी दाइमा चैन से आखिरी सांस ले, तो ये हाथ जिंदगी भर ना छोड़ोगे आप कुंवर साहब। अपने अंदाजो ना है कुंवर साहब कि यह रिश्ता कितनों खास है। मां भगवती आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। चुड़ैल ने इस महल में प्रवेश करने से रोकने का इंतजाम हो गया उसे। अब बारी है कुंवर सा और कुवरानी सा के रिश्ते को बचाने की। आज के बाद मारे कुंवर सा और कुवरानी सा के बीच कोई ना आवेगो, ना वो चुड़ैल और ना ही तलाक। कह दिया राम ने कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, फिर वो कसमें, वो बातें, वो फिक्र, वो प्यार सब झूठ था। जिस इंसान ने एक पल के लिए भी मुझे अपने आप से दूर नहीं होने दिया, जो मेरी एक स्माइल के लिए हजारों एफर्ट्स लेता था, वो ऐसे कैसे दूर जाने की बात राम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? वजह मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे डांट देते, मुझसे गुस्सा हो जाते, लेकिन ऐसे दूर करना क्यों राम, क्यों? देवकी रे देवकी, 150 साल नहीं हो गई रे तू,
मगर मन ने समझने जितनी अक्ल आज तक ना आई तन्ने महल को बांध कर मारे को प्रवेश करने से तो रोक सके हैं, मगर मारी सौतन को मारने से कैसे रोकेगी? दो दिन बाद हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन ये तो बता दो तुम्हारे बिना जीऊंगी कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट झुकने नहीं दे रहा और ये प्यार आगे बढ़ने से रोक रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तुम्हारी ऐसी कौन सी खामी को अपनी नफरत बना लूं, क्योंकि तुमने तो कोई कमी है ही नहीं, तुमने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार दिया है ना। कैसे करो तुमसे नफरत?
चित की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल बल जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बे बस और लाचार फिरू मैं हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी हम तो बेजान चीजों से भी वफा कर रहे हैं राणा साहब में तो फिर भी मारी जान बसे है और उन्हीं की जान दांव पे लगा दी उन्हीं को चोट दे दी रजवाड़ों की हवेली कोई भूतों की हवेली हो गई है क्या? यहाँ पे अचानक आग कैसे लग गई? ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। What? Oh please, ये कोई चांदनी चौक का घाघरा कंपटीशन नहीं, ये कोई चुन्नी गोटा लगा दे। आग लगी, आग, fire। जिस किसी ने आग लगाई है, अगर मैंने उसके सूट की सिलाई ना उठेर दी तो मेरा नाम भी मलिका बेगम नहीं। I will call the cops. ये मामूली आग नहीं, किसी के बदले की चिंगारी है और मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। राम की जान की कीमत हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लॉन्ग लिव राम। दूसरे का घर जलाने गई थी, अपने दुनिया फूंक बैठी हो। ये कैसा प्रेम है तारा मोहिनी? यो तूने ठीक ना कियो मोहिनी, ठीक ना कियो। दुगने दस से मिलेगी तेरे मोहिनी। तू
सिया तुम मुझे छोड़ो, तुम तो ठीक हो। चुपचाप लेटे रहो राम, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कितना डोमिनेट करती हो तुम मुझे, अंदाजा है कुछ? तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। किसने कहा था आग में कूदने के लिए तुमको? तो क्या तुम्हें आग में जलते देखता रहता? कितनी आग फैल चुकी थी वहां पर। असिया अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्यों राम, मेरे दर्द से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि ये दर्द ही हमारे दिल को जोड़ता है, क्योंकि ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, क्योंकि मैं तुमसे। रसगुल्ला मुझे बुलाते हो और खुद मुंह फुला के बैठे रहते हो, ले लूं। लेकिन तुम्हारे आंसू फिर भी दिखते हैं मुझे। एक पल तो रह नहीं सकते मेरे बिना राम, जिंदगी का खाका अकेले बताओगे? सिया स्टॉप इट प्लीज, ये सब बोल के मुझे कमजोर मत करो। हमेशा की तरह बस ये आखिरी बार बिना सवाल के मेरी बात मान लो। एक वक्त था राम, जब बिना कुछ बोले हम ढेरों बातें कर लिया करते थे, और आज इतनी बात करने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस एक वजह बता दो राम, आखिर क्यों? कोई बात हो बताने की तो बताओ ना सिया। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। और जो कुछ भी हुआ अगर तुम उसमें कोई मतलब ना ढूंढो तो अच्छा होगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना, तब भी मैं वही करता जो मैंने किया। I don't want to go to the office today. मन नहीं कर रहा है। वो तो रोज नहीं करता। इसमें नया क्या है? पत्नी अपने पतियों के साथ ऐसे मोमेंट शेयर करने के लिए तरसती है, और तुम्हें तो ये मौका रोज मिलता है। ये नहीं कि हक करके दिन भर प्यार भरी बातें करो। और रोमांटिक। अब क्या करूं? अपने मिस्टर खजूर से इतना बोर जो हो चुकी हूं। अब जाओ वरना और भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। मेरी लंबी हाइट, चुपती बियर्ड और मेरे इस रोमांटिक नेचर से काफी परेशान हो रहा था। मैंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया? रसगुल्ला कहीं की? अच्छा मैं रसगुल्ला? तो जाओ किसी सूखी चुड़ैल के पास। और ये ब्रेसलेट जब देखो तब अटक जाता है। ये अटकना हमारे सच्चे प्यार का सबूत है। जितना ये अटकेंगे उतना हमारा प्यार बढ़ेगा। याद है क्या कहा था तुमने? अब देख लो, तुम्हारे प्यार का एक और सबूत मिल गया मुझे। तो कहती थी कि महल के अंदर राम को कुछ नहीं होगा, फिर ये आग बाहर से आई थी। महल के अंदर आज भी कुंवर सा सुरक्षित है।
पहले तो सिर्फ राम को खतरा था, अब तो सिया भी। अब फिक्र को नहीं करो, वह चुड़ैल के बुरे जादू का असर अपने कुंवर सा कुंवरानी सा पर न पड़ने दूंगी मैं। फिर चाहे मन्नेवा के लिए पूरे गांव को क्यों ना बांधना पड़े। जीतना देवकी नो आदत भी है और फितरत। के करेगी देवकी तू, थारे होते हुए वो कुंवर सा कुंवरानी सा तक पहुंच गई। थारी अनुभवी आंखों ने वाको कमजोर क्यों समझा? का हथियार नहीं तो तू खूब पहचाने। एक बार बस, एक बार कार्तिक पूर्णिमा की चांद की रोशनी में राणा सा मारा चेहरा देख ले वे तो खुद सब छोड़ छाड़ के आवेंगे मारे पीछे। जैसे ही वो मारा आह्वान करेंगे, उनकी सांसों के साथ साथ उनकी मौत पर भी हक होगा मारा।